अष्टादश श्लोक की भगवद गीता, 13वां श्लोक, 13वें अध्याय का 15वां। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्म तद्विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। प्राणी हैं जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नज़दीक भी दूर भी है वही। एक वैचारिक प्रेरणा, जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था, विचार करें। उत्तर एक ही होगा, परमात्मा। सृष्टि बनी किससे बनी, परमात्मा से। सृष्टि बनाकर परमात्मा कहाँ, सृष्टि में। सृष्टि कहाँ, परमात्मा में। प्राणी मात्र की रचना हुई, अपने आप को देखें, हम कहाँ, परमात्मा में। परमात्मा कहाँ, चेतना रूप में, हम सबके भीतर। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एव च, परमात्मा सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। इसे समझने के लिए कभी आप ऐसा प्रयोग करके देखें, एक पानी का बड़ा पात्र, कोई टब इत्यादि रखें, उसमें कुछ छोटे छोटे पात्र लाएं, कटोरी है, लोटा है, गिलास है, ऐसे ऐसे कुछ पात्र उसमें रखें और ध्यान से देखें वो पात्र कहाँ हैं, पानी में। पानी कहाँ है, उन पात्रों में। भीतर पानी, बाहर पानी, बीच में जो पात्र हैं वो एक उपाधि के की भांति हैं। अंदर बाहर दोनों ओर पानी है, बहिरंतश्च भूतानां। ऐसे ही हम देखें, मैं कहाँ, उस विराट परमात्मा में। परमात्मा कहाँ, वो मुझ में। ये स्थिति जो है बहिरंतश्च भूतानां, परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है। महापुरुषों ने जब ध्यान की गहराई में अनुभव किया, उन्होंने पाया इस स्थिति को। शहनशाह राम, स्वामी राम तीर्थ की अनुभूतियाँ आप देखें, अद्भुत, अलौकिक, बहुत अनूठी। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूँ, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अंदर भी वही राम मुझ में, मैं राम में हूँ। बहिरंतश्च भूतानां, परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा बाहर भी है। इसका एक अर्थ प्रेरणादायक यह भी है, बाहर परमात्मा है अर्थात वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, ऐसा कोई कण नहीं जहाँ परमात्मा नहीं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब परमात्मा नहीं। वो सर्वत्र है, वो कण कण में है, और इसीलिए वो सर्वव्यापी कहलाता है। और परमात्मा भीतर है, भीतर परमात्मा की संज्ञा अंतर्यामी के रूप में भी है। इसका एक भाव इस रूप में अवश्य लें, बाहर सर्वव्यापी परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है, अंदर परमात्मा अंतर्यामी रूप में हमारे भावों का साक्षी है। अर्थात यह गीता मंत्र हमारे भावों की शुद्धि के लिए, जब भी भीतर किसी के लिए कुछ कुटिलता, कुछ किसी के भीतर कुछ भीतर किसी के लिए कुछ कठोरता, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई अनर्गल चिंतन इस प्रकार का प्रवेश करने लगे, आने लगे, उसी समय बहिरंतश्च भूतानां, गीता की इस प्रेरणा को विचार में ले लें कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे भावों का साक्षी है वो। अपने आप को कहें, मेरे मन
कहाँ खो रहा है, क्यों इधर उधर के विचारों में लगा है, क्यों किसी के प्रति निंदक भाव, क्यों किसी के प्रति ईर्ष्यालु भाव बनाए, तो भावों का साक्षी परमात्मा है, भावों की शुद्धि होगी। बाहर कर्मों का साक्षी परमात्मा है, सर्वव्यापी है ना, हम जहाँ भी हैं वहाँ वो है, हम जो कर रहे हैं उससे छिपा कुछ नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है। और इसलिए हमारे कर्मों को सत्कर्मों की प्रेरणा बनाने का भी निश्चित रूप से आधार है परमात्मा। साथ ही साथ परमात्मा क्या है, सूक्ष्म त्वा तद विज्ञेयम्, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म सत्ता है और इसलिए अविज्ञेय है, अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं। लेकिन निराश नहीं होना, विचलित नहीं होना कि जब परमात्मा अविज्ञेय है, जाना जा ही नहीं सकता, तो तब उसे जानने के लिए इतने साधन क्यों, इतने प्रयास क्यों, ऐसा अर्थ नहीं। इसलिए परमात्मा अविज्ञेय है क्योंकि वो स्थूल वृत्ति से नहीं जाना जा सकता, सूक्ष्म है, वृत्ति को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। वैसे तो परमात्मा का स्वरूप भगवद गीता में कई बार आया, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम, इसी अध्याय में आगे का ही श्लोक है कि परमात्मा ज्ञान भी है, परमात्मा ज्ञेय भी है, परमात्मा ज्ञान गम्य भी है। क्यों? क्योंकि हृदि सर्वस्य विष्ठितम, वो सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो ज्ञेय परमात्मा है, लेकिन अविज्ञेय क्यों कहा, इसलिए समझने की बात है, स्थूल वृत्ति से नहीं जाना जाएगा। संसार का चिंतन, संसार स्थूल है, संसार की कामनाएं, संसार की वृत्तियां, संसार को लेकर अहम, संसार को लेकर लोभ, संसार को लेकर आसक्ति, ये वृत्ति को स्थूल बनाते चले जाते हैं। मन में संसार का चिंतन होगा, अंदर की वृत्ति निश्चित स्थूल हो जाएगी, और स्थूल वृत्ति परमात्मा को कैसे, उस सूक्ष्म सत्ता में कैसे प्रवेश कर पाएगी। एक छोटी सुई है, कई बार कोई बड़ा एक सुआ होता है, उसमें बड़ी रस्सी भी प्रवेश कर जाती है, लेकिन एक बारीक सुई में धागे को भी उतना ही कहीं ना कहीं हाथ गीला करके सूक्ष्म करना पड़ता है, सूक्ष्म में वो प्रवेश कर पाए। ऐसे ही परमात्मा सूक्ष्म सत्ता है, मन की वृत्ति को सूक्ष्म बनाना होगा, और सूक्ष्म बनाने के लिए ध्यान करें, परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा का चिंतन करें, और चिंतन किस रूप में करें, दूरस्थम चांतिके चेतत, परमात्मा दूर से दूर भी परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक भी परमात्मा, इस रूप में चिंतन करें। मान लो कहीं हम दूर गए हैं, देश विदेश, वहाँ भी गीता का ये श्लोक याद आ जाना चाहिए कि परमात्मा यहाँ भी साथ हैं, कोई और हो ना हो, लेकिन मेरे प्रभु मेरे आराध्य यहाँ भी मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र हैं, वो सर्वदा हैं, वो सर्वव्यापी हैं, और नज़दीक से नज़दीक भी परमात्मा हैं। इस रूप में भी चिंतन बन सकता है, नज़दीक से नज़दीक अर्थात मेरे भीतर सबसे नज़दीक मेरे प्राण हैं, मेरे श्वास हैं, श्वासों में कौन, वही परमात्मा। जब ये कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए या किसी के श्वास रुक गए, अभिप्राय क्या है, अभिप्राय ये कि वह चेतना जो श्वासों को चला रही थी, वह चेतना अब शरीर से अलग हो गई, प्राण निकल गए। तो प्राणों में सबसे निकट वो चेतना है, इसलिए दूरस्थम चांतिके चेतत, निकट से निकट भी वो परमात्मा है मेरे। जब भी चिंतन में बैठें, ध्यान में बैठें, ध्यान अवश्य करना चाहिए, कुछ समय अवश्य मेडिटेशन करें,
और उसमें यही सोच बना कर बैठे हैं, मेरे हृदय की धड़कन है परमात्मा, मेरे श्वासों की गति है परमात्मा, श्वास चल रहे हैं इसका अभिप्राय परमात्मा मेरे भीतर है, मेरे बहुत निकट है, और इस सोच के साथ एकाग्र करें। कोई मन की वृत्ति जब कहीं बाहर जाने लगे, दूर से दूर भी वहीं दिखाएं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येवशम्येत। अर्जुन, जहाँ कहीं भी तेरा मन जाए तो वहीं दिखा, आत्म चेतना वहीं है, परमात्म सत्ता वहीं, वहाँ भी मुस्कुराती हुई अनुभव होगी। तो परमात्मा नज़दीक से नज़दीक भी हैं, परमात्मा दूर से दूर भी हैं। यह मंत्र साधकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, जीवन में ध्यान साधना में परिपक्वता लाने वालों के लिए, परमात्मा को हर समय हर जगह अपने निकट अनुभव करके अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, अपने आप को सहज स्वाभाविक आनंद की स्थिति में रखने के लिए एक आदर्श प्रेरणा है यह गीता मंत्र। पढ़ते रहें और इस गहराई में अपने आप को उतार करके इस श्लोक के तत्व को अनुभव करते रहें। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।